डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो चलो हम लोग आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आप पूछोगे कि मैम आप तो कहानी बोल रही हैं, तो मैं जो जो मैंने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था उसमें आगे पढ़ाना है कि न्यूरॉन वर्क कैसे करते हैं। तो आप एक कहानी की तरह सुनिए, एक स्टोरी की तरह। अगर आप हर चीज़ को स्टोरी लेके सुनिएगा, स्टोरी की तरह इंटरेस्ट लेके, तो आपको समझ में आएगा। और जो जो पॉइंट है वो आप अगर एक बार आप समझ गए, आप एक बार अच्छे से समझ गए कि न्यूरॉन का वर्क कैसे होता है, वो कैसे मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है डिफरेंट पार्ट्स में, तो आप लोग अपने लैंग्वेज में भी उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। ठीक है ना? ये नहीं कि एकदम बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी है। आप अगर अच्छे से समझ गए हो तो इजी वे में अपने लैंग्वेज में भी, जैसे जैसे आपने समझा है स्टेप बाय स्टेप, उसको वैसे लिख सकते हो। पॉइंट टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में बहुत सारा हिस्ट्री या आर्ट सब्जेक्ट की तरह कि बहुत सारा नहीं लिखना है। टू दी पॉइंट, कि फर्स्ट क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, जैसे आप समझ रहे हो। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना, आज का वर्किंग ऑफ न्यूरॉन। क्या आज स्टार्ट करते हैं? वर्किंग ऑफ न्यूरॉन के। न्यूरॉन जो है, जो मैंने आपको बताया था, जो कि ऐसा बीच में न्यूक्लियस होता है और ऐसे स्टार की तरह होता है, और यहाँ पर ये एक्सॉन होता है, फिर यहाँ पर नर्व सेंडिंग्स होती है जो कि बहुत सारी ब्रांचेज इसमें होती है ना, ये मैंने आपको बताया था। यस, इसे हम लोग बोलते हैं साइटॉन, और इसे हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। समझ में आ गया ना? इसके बीच में बहुत सारे मिसल ग्रेनुल्स रहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारा ब्रांचेस की तरह, इस तरह से ब्रांचेस ब्रांचेस निकाल दीजिए आप लोग, इधर भी बहुत सारे ब्रांचेस निकाल दीजिए, है ना। ये देखो कितनी ब्रांचेस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। बस ये छोटा सा पार्ट है न्यूरॉन का, लेकिन ये सबसे लंबा सेल होता है हमारे बॉडी का। ये 1 मीटर होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर शायद होता है, काफ़ी लंबा, मतलब नर्व सेल में सबसे बड़ा सेल होता है। इसकी साइज सबसे बड़ी होती है, क्योंकि फंक्शन भी तो इसको उसी तरह का करना है, पूरे हेड टू टो मैसेज को, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है ना। तो इसका आप लोग 3 पार्ट्स देख लीजिए, साइटोन, एक्सॉन और ये नर्व एंडिंग्स, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं या लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स, है ना। इसके बीच बीच बाहर में ऐसे ये होता है, एक फॉस्फोलिपिड की कवरिंग होती है, जिसको हम लोग माइलिन शेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शेथ। ये भी आप लोग समझ गए। और इन दोनों के बीच में ग्रूव होता है, थोड़ा सा कुछ ग्रूव्स टाइप का होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। समझ गए ना? नोड्स ऑफ रेनवियर। और इसमें भी जैसे इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, निसल ग्रेनुल्स होता है, उस तरह से इसमें भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म, है ना। और इसका जो कवरिंग होती है वो जैसे साइटोप्लाज्म बाहर जैसे कवरिंग होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे इसमें भी होती है एक्सोलेमा, है ना, एक्सोलेमा बोलते हैं, जो बाहर की कवरिंग होती है ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। तो ये छोटा सा न्यूरॉन का पार्ट होता है, जो कि हमारे सेल में सबसे बड़ा सेल होता है, और ये हमारे बॉडी में ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी होता है न्यूरॉन। अब ये वर्क कैसे करता है, अब आप गौर से सुन लीजिए। नंबर फर्स्ट स्टेप, कोई भी मैसेजेस हो, जैसे आपने किसी चीज़ को देखा, सांप को देखा, गर्म चीज़ को छू लिया, या कोई अच्छी चीज़ आपको पसंद आ गई, या आपने अच्छी मेलोडियस आवाज़ सुन ली, तो आपको पता है कि सारे सेंस ऑर्गन में कुछ कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ना। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आपको मैंने बताया था कि 5 सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि लाइट आइज में होता है, फोटो रिसेप्टर कान में होता है, फोनो रिसेप्टर टंग्स में होता है, गैस्ट्रोट्रिटिक रिसेप्टर पर स्किन पे होता है, थर्मो रिसेप्टर्स, है ना। तो ये 5 तरह के नोज में होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं, ये इंफॉर्मेशन लेकर के ये इस पे आएंगे, रिसेप्टर्स आएंगे इस पे, डेंड्राइट्स पे। किस पे आएंगे? सबसे पहला ये रिसेप्टर्स मैसेज लेके डेंड्राइट्स पे आएंगे। किस पे आएंगे? सारा इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स पे आएगा। डेंड्राइट से आपको ये इसमें एक्सॉन साइटॉन से होते हुए ये इसमें माइलिन शीट के जो बीच में एक एलोंगेटेड जो लंबा सा जो इसका डेंड्राइट वाला पार्ट होता है सबसे बड़ा, इसके अंदर से ये नर्व इम्पल्सेस जाए, माने कि मैसेज है, इस मैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स, या इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज।
ये जैसे जो यहाँ पे आएगा तो ये चार्ज के शक्ल में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट होता है, यानी ये सारा मैसेज इंफॉर्मेशन आया डेंड्राइट से, डेंड्राइट से ये सब इलेक्ट्रिकल इसमें चेंज हो गया, यानी इसमें प्लस प्लस चार्ज कर दो, क्या कर दो, प्लस प्लस चार्ज। तो इसको जो ये इंफॉर्मेशन जो है ये साइटोन में आया, पहले साइटोन के इधर से मैं पास किया निसल ग्रेनुल से, पर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्री भी होता है उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज, सब पावर हाउस ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको के अल्टमान ने निकाला था, खैर वो अलग सी बात है ना। फिर हम लोग ये मैसेज आया डेंड्राइट से साइटोन में आया, साइटोन से होते हुए ये इसमें आया, इसमें ये सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, यानी इसको हम लोग नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ये सारा इसी में ऐसे करके आया। आते आते ये नीचे वाला जो नर्व एंडिंग्स होता है इसके पार्ट सब पर आ गया, इसके टिप पर आ गया, नर्व का जो टिप होता है इसके टिप पर आ गया, मतलब फोर्स में मैसेज सब आ रहा है एकदम इलेक्ट्रिकल चार्ज से। और ठीक आपको मालूम है कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन रहता है, सटा सटा रहता है, जैसे एक न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन्स का ये डेंड्राइट्स है और ये नर्व एंडिंग है, फिर ये दूसरा न्यूरॉन रहेगा उसका डेंड्राइट्स रहेगा, फिर इसी तरह से तीसरा रहेगा। तो जब यहाँ से डेंड्राइट से रिसेप्टर ने डेंड्राइट को मैसेज दिया, डेंड्राइट ये एक्सॉन से होते हुए नीचे नर्व एंडिंग्स में पहुँचा, ये नीचे वाला नर्व एंडिंग है। अब जैसे नर्व एंडिंग्स में पहुँचता है तो दूसरा जो न्यूरॉन स्टार्ट होता है तो वो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, एकदम ऐसे सटा हुआ नहीं रहता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, बिल्कुल नहीं सटा हुआ रहता है, इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा गैप रहता है, क्या रहता है, इतना थोड़ा सा गैप रहता है। तो जब ये यहाँ पर जो आया इलेक्ट्रिकल चार्ज या नर्व इम्पल्स या करंट या मैसेजेस या इंफॉर्मेशन जो भी आया, तो जब ये नर्व एंडिंग्स के पास पहुँचा तो क्या होता है देख लीजिए, अब आगे की कहानी देख लीजिए। यहाँ तक तो पहुँच गया, यहाँ तक पहुँचने के बाद इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है ना, अब बता रहे हैं। यहाँ तक तो जब ये पहुँच गया नर्व एंडिंग्स के पास तो क्या हो गया कि दूसरे का ये डेंड्राइट से स्टार्ट होता है, दूसरे का डेंड्राइट से स्टार्ट होता है ना, दूसरे का, तो ये समझ लीजिए इसको मैंने एक बड़ा सा बना दिया है, ये एक का डेंड्राइट है और ये दूसरे का है, है ना, है ना, ये तो जब ये सारा मैसेज डेंड्राइट से आते हुए यहाँ पर आया, इस जगह पर आया, इस जगह में आया करंट, तो यहाँ पे दोनों के बीच में गैप होता है, क्या होता है, इस दोनों के बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है, इस गैप को हम लोग कहते हैं, ये आप लोग न्यूरॉन देख लीजिए, ये न्यूरॉन है, ये आ रहा है, फिर ये दूसरा न्यूरॉन है, फिर ये तीसरा न्यूरॉन है, ये नर्व एंडिंग्स है, तो बीच में थोड़ा सा गैप होता है, फिर ये तीसरा है, इस तरह से आपको मिलियन, 8 लाख 9 लाख कितना हमारे बॉडी में होता है न्यूरॉन बना हुआ ना, तो ये जब है तो ये बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, क्या बोलते हैं, सिनेप्स, क्या बोलते हैं, सिनेप्स। और यहाँ पर जो जगह खाली होती है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी जगह होती है। तो जब यहाँ पर मैसेज आ रहा है इंफॉर्मेशन, ये मैसेज जो डेंड्राइट से यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज से आ रहा है, यानी प्लस माइनस प्लस प्लस चार्ज, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन, यहाँ पर छोटा छोटा गोल गोल क्या होता है, वेसिकल होता है, क्या होता है, छोटा 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 गोल गोल बहुत सारा वेसिकल होता है, जिसमें क्या होता है कि ये इसमें जो आप जब ये आता है तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा गोल, तो ये सारा मैसेज जो है इस गोल वाले बर्तन में क्या होता है, जमा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल, क्या बोलते हैं, वेसिकल। तो सारा मैसेज यहाँ पता है, बोलता है भैया आप रुक जाओ, अब तुम्हारा काम यहाँ तक था, तुम सारा मैसेज लाए हमको दे दो, ये लोग डायरेक्ट इसमें नहीं जाएगा, बीच में ये समझो कि एक तरह की नदी है, पार नहीं कर सकता है, क्या है, इसको इसमें डायरेक्ट पार नहीं कर सकता, तो फिर ये जो गोल गोल जो वेसिकल है ये सारा इंफॉर्मेशन बाहर आता है, बाहर आता है, ये पूरा घूमते हुए लाता है और इसके अंदर चला जाता है, यानी दूसरे न्यूरॉन के अंदर, इसके अंदर जा करके सारे मैसेंजर को, मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को, इंपल्स को, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो भी आ रही है वो इसमें छोड़ देता है, फिर इसमें वापस छोड़ करके मैसेज को ये वापस आ जाता है, और भी तो करंट आ रहा है उसको लेने के लिए, तो यहाँ पर छोड़ जाता, फिर यहाँ पर ये आगे बढ़ के ये वापस चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल चार्ज में, इसमें चार्ज हो जाता है, फिर जिस तरह की पोजीशन से आया था इलेक्ट्रिकल चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज में, ये नर्व इंपल्स में चेंज हो जाता है, और इसी तरह से ये कंटिन्यूअसली सप्लाई होता रहता है।
लेकिन आप बोलोगे जितना भी इंफॉर्मेशन या मैसेजेस इस डेंड्राइट से, ये रिसेप्टर से, डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन साइटन से यहाँ पर आता है, तो जैसे यहाँ पर आता है तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस में इतना करंट, इतना वोल्टेज रहता है कि अगर ये लोग ऐसे आ जाएगा ना तो पूरा डैमेज हो जाएगा न्यूरॉन। इसीलिए ये क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है मैसेज इन्फॉर्मेशन, एक केमिकल जो होता है, एक यहाँ पर केमिकल में चेंज हो जाता है, एक छोटा सा यहाँ पर केमिकल बन जाता है। वो क्या करता है, इसी वेसिकल में उस केमिकल को चेंज करके यहाँ पर लाता है और यहाँ पर जब इसके यहाँ पहुँचा देता है बगल में, क्योंकि थोड़ा सा गैप है, है ना, बीच में तो करंट जा नहीं सकता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज और ये वो नहीं जा सकता है, तो वो यहाँ पर जो छोटा छोटा बर्तन रहता है उसको मैसेज इन्फॉर्मेशन दे देता है। और जब उसको दे देता है तो जब ये वापस निकलता है यहाँ से, तो फिर ये जब दूसरे न्यूरॉन में जाता है तो वापस चार्ज में हो जाता है। फिर ये इसी तरह से ये मैसेज गया गया गया, फिर जब ये नर्व एंडिंग्स में पहुंचा तो वहाँ पर सिनेप्सिस बोलते हैं, थोड़ी सी कैविटी होती है, उसमें तो जा नहीं सकता है, तो छोटे छोटे वेसिकल में अपना मैसेज इन्फॉर्मेशन देता है, ये मैसेज और इन्फॉर्मेशन बाहर तैरते हुए आता है और दूसरे न्यूरॉन में जाता है और यहाँ से इसको वापस दे देता है मैसेज, लो भैया तुम मैसेज ले लो, तो ये मैसेज ले लेता है, फिर यहाँ से ये ट्रांसफर होकर के ये फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज में बन जाता है जो यहाँ पे था। फिर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज में बन जाता है और बनने के बाद ये इसी तरह से ये सप्लाई होती है, है ना। तो यहाँ पर जब आ करके ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जो वो चेंज होता है ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल चार्ज जो आ रहा है, जब ये इस पे वेसिकल में देता है तो एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जो वो उस एंजाइम का नाम होता है एसिटाइल कोलिन, ये होता है एसिटाइल कोलिन, एक एंजाइम होता है और यही एसिटाइल कोलिन जो है ये वैसे ये पूरे मैसेंजर को ले लेता है और इसको इधर ट्रांसमिट कर देता है, इसी तरह पूरा नर्व इम्पल्स, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन सबसे पहले आया कैसे, रिसेप्टर से डेंड्राइट में आया, डेंड्राइट से आने के बाद ये साइटोन में गया, साइटोन से ये बीच में होते हुए जो माइलिन शीथ है इसके बीच में ये पूरा मैसेज और इन्फॉर्मेशन जा रहा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन जाता है ना। तो जो भी मैसेज, जो भी हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करें, हम लोग कितना काम करते हैं, अभी मुझे पढ़ाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे बाजार जाना है, जो भी मैसेजेस है वो यहाँ पर मैसेज आएगा और वो चार्ज के रूप में आएगा। जब वो नर्व एंडिंग्स में जाएगा तो चूंकि दूसरा न्यूरॉन से पहले दोनों के बीच में एक जगह होती है, जिस जगह को गैप होता है, जिसे हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं, सिनेप्सिस कलेक्ट होते हैं, तो जब वो यहाँ पर आता है तो वो मैसेजेस इन्फॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर व एक एंजाइम सीक्रेट करता है केमिकली, जिस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, वो सारा जो है इसको तैरते हुए लेके आता है दूसरे न्यूरॉन पर मैसेजेस को और वापस यहाँ पर छोड़ देता है और वापस वो अपने घर में आ जाता है। और फिर यहाँ पर वो लोग फिर दोबारा अपने जिस ओरिजिनल पोजीशन में थे, इलेक्ट्रिकल चार्ज के पोजीशन में थे, नर्व इंपल्स, वो पूरा इसी में इंफॉर्मेशन चेंज होता है और फिर वो जैसे जाएगा तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो समझ गए, बहुत छोटी सी ये कहानी, समझ में गए, कोई कहानी में मुश्किल नहीं है, स्टोरी के तरह समझ गए। आप लोग किसी को भी बता सकते हैं कि किस तरह से मैसेजेस आया, कोई भी मैसेज डेंड्राइट में आया, डेंड्राइट से वो एक्सॉन में आया, एक्सॉन से साइटोन बोलते हैं, वहाँ से वो एलोंगेटेड जो आपका एक्सॉन होता है एक्सॉन में आया, एक्सॉन में पावर के रूप में आया, इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में आया, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के रूप में आया, उसको हम लोग नर्व इम्पल्स बोलते हैं। वहाँ से जब वो क्रॉस किया, जब वो नर्व एंडिंग्स में पहुँचा तो दूसरे न्यूरॉन और नर्व एंडिंग्स के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, गैप होती है, जिस गैप को हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं, सिनेप्सिस क्लेफ्ट बोलते हैं। जब वो उसमें गया तो छोटे छोटे उसमें बर्तन देखोगे जो कि ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमीटर के तरह, तो उसको वहाँ पर कुछ एंजाइम में चेंज हो जाता है, एंजाइम या केमिकल में चेंज हो जाता है सारा इन्फॉर्मेशन। वहाँ पर कौन सा एंजाइम रहता है, एसिटाइल को एंजाइम। वो लोग क्या करते हैं, सारे मैसेजेस को ले लेते हैं, फिर ये जो बीच में दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी वो पार कराते हैं, दूसरे न्यूरॉन में आते हैं, दूसरे न्यूरॉन में उसको देके वापस ये आ जाते हैं अपने जगह पे। तो क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन में फिर ये लोग अब तो आ गए अपने घर में, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल पोजिशन में, यानी करंट में चेंज हो जाते हैं, या इलेक्ट्रिकल चार्ज, नर्व इंपल्स जो बोलते हो, इसी तरह से फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर वो थर्ड में जाएंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूसली खूब स्पीड से 400 किलोमीटर पर आवर, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा, उसी तेजी से ही हमारे बॉडी में नेटवर्क आकर, क्योंकि देखते हो ना आप लोग स्लाइड वगैरह में कैसे लाइट जो है हाईवे पर चलती रहती है दिखा, तो उसी तरह से ये पूरे बॉडी में जितना नेटवर्क है
ये इसमें इस तरह से मैसेज हमारा ट्रांसफॉर्म होता रहता है, केमिकल एनर्जी वो सारा इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। केमिकल में केमिकल कौन सा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम जो कि सिनेप्सिस के बीच में रहता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना वो एक बैक करंट जो है वो एक से दूसरे में नहीं जाएगा, बीच में तो ब्रेक हो गया है, तो ऐसे जाने से क्या होता है ना दूसरा न्यूरॉन भी खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए वो लोग जब मैसेज आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा धीरे हो जाते हैं, धीरे होने के बाद सारा अपना इन्फॉर्मेशन वो वेसिकल जो होता है छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा वैक्यूल्स होता है इस क्लेफ्ट में, इसको दे देते हैं, ये यहाँ पर ये दूसरा है तो ये इसको दे देते हैं, यहाँ पर से ये सारे बाहर निकलते हैं, बाहर निकल करके ये इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर सारा मैसेज छोड़ते हैं, ये फिर वापस आ जाते हैं और ये फिर आगे जा करके फिर ये चार्ज में चेंज हो जाते हैं। तो अब आपको मैंने 3 या 4 बार समझा लिया, बस यही प्रोसेस है। पूरे बॉडी में ब्रेन टू से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी टू अवर ब्रेन ऑल मैसेजेस आर कैरीड वाइस वर्सा बाय दिस प्रोसेस। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड। अब है इसमें कि ये जो नर्व्स है ये 3 तरह का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स लेट अस नो नाउ, हाउ मेनी टाइप्स, तो हम लोग ये बोलते हैं 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स होता है। एक होता है सेंसरी नर्व्स, सेकेंड होता है मोटर नर्व्स है ना, और थर्ड होता है मिक्स्ड नर्व्स है ना। या तो सेंसरी नर्व का क्या काम होता है, अब सेंसरी नर्व जितने भी सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में या जो भी है जहाँ से भी मैसेजेस आ रही है जब वो ब्रेन तक कौन पहुँचाता है, ये ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, सेंसरी नर्व। अब ब्रेन तो हाई कमांड है, कंट्रोलिंग पावर है, सब कुछ देखता है, तो वो तो नहीं ना पैदल चलेगा, वो तो मोटर से चलेगा, भाई बड़ा आदमी है, प्रिंसिपल है, घर का बड़ा है, तो उसके पास गाड़ी होती है, तो ब्रेन जो मैसेजेस सबको भेजता है डिफरेंट पार्ट्स में वो मोटर नर्व, समझ जाइए कि ये तो बेचारे मेहनत करते हैं सारे मैसेज सब हाथ से पाँव से डिफरेंट बॉडी पार्ट से मैसेजेस ब्रेन तक लाते हैं सेंसरी, इनके पास कोई मोटर गाड़ी नहीं है तो बेचारे खुद से लाते हैं नर्व्स, लेकिन जो ब्रेन से जो सारा मैसेज ब्रेन भेजता है वो ब्रेन क्या करता है, मोटर नर्व्स, उसके पास मोटर है, गाड़ी है, सोच लो कि रिच आदमी है, पावरफुल आदमी है, तो वो जो है मोटर से मोटर नर्व यूज करता है, ब्रेन से ऑल मैसेजेस कैरी आउट फ्रॉम ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी इज कैरीड आउट बाई इज टेकन आउट बाई द मोटर नर्व्स। और मिक्स होता है जब ये दोनों बिजी होते हैं, एक और नर्व्स होता है मिक्स नर्व जो ये दोनों का काम करते हैं, कभी इनको ले जाएंगे, ये थोड़ा सा सिस्टम है, फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। अब आपको बता देते हैं, ये आपको पता है कि ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन है ऐसे करके है ना, और ये ब्रेन से ये पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है ना, और ये है आपका ब्रेन है, तो ब्रेन जो है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से पूरा बॉडी में आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आपको निकलता है नर्व्स, नसों का एक जाल बिछा हुआ है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, और बाकी और पार्ट से जो भी नर्व्स निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, उसमें कौन सी नस निकलती है ना, और कौन क्या वर्क करता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वी शैल डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी है, न्यूरॉन बहुत एक दूसरे के साथ, न्यूरॉन का एक चेन है हमारे बॉडी में, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज हमारे मसल से, आई से, नोज से, टंग से या कुछ भी पार्ट से मैसेजेस आते हैं तो वो हमारे सबसे पहले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाते हैं, कौन लाता है, रिसेप्टर्स लाता है, डेंड्राइट से होते हुए वो सीधे एक्सॉन में आएंगे, वो एक वहाँ पर चेंज हो जाता है, वो नर्व इम्पल्स के रूप में, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के रूप में उसको हम लोग बोलते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे ही वो नर्व एंडिंग में जाते हैं दूसरे जगह दूसरे न्यूरॉन को करने के लिए, तो वहाँ पर वो एक एंजाइम सीक्रेट वहाँ पर रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटाइल को एंजाइम, और वो वहाँ पर सारा मैसेज इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, एक वेसिकल रहता है ना, और दोनों के बीच में, एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है,
ये आपको दोबारा मैं बता दे रही हूँ, ये एक जगह होती है, एक कैविटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस क्लेफ्ट बोलते हैं, इस जगह को सिनेप्सिस क्लेफ्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैसेंजर वाला चार्ज वाला आता है, यहाँ पर छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ये वेसिकल्स में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ये लोग इसको बाहर निकालते हैं इस जगह पे, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्ट अगर आएंगे तो इसको हार्म कर देंगे, तो वो लोग इस पे यहाँ आते हैं और ये फिर इसके अंदर घुस जाते हैं दूसरे नर्व न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में और सारे इंफॉर्मेशन यहाँ दे देते हैं मैसेज। तो एक्चुअली में क्या होता है, फिर ये वापस चार्ज में आ जाते हैं, क्या हो जाता है, फिर ये चार्ज में आ गए। यहाँ पर आके तो इन्होंने केमिकल में चेंज हो गए, है ना, और उस केमिकल हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, केमिकल का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन, है ना। फिर यहाँ पर केमिकल में चेंज हो गए, केमिकल में धीरे धीरे जब वो दूसरे नर्व एंडिंग्स में आए, न्यूरॉन्स में आए, डेंड्राइट्स में, तो फिर वो वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज हो गए और इसी तरह से ये कंटिन्यू से पूरे बॉडी में फैलता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास, समझ में भी आ गया होगा, है ना। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, ऐसे मुझे तो लग नहीं रहा है प्रॉब्लम, बस यही मोटा मोटी है कि छोटा सा थोड़ा सा पोर्शन का इनका जो चेंज हो जाता है यहाँ पर आने के बाद, ये डायरेक्ट करंट इसमें नहीं जाता है क्योंकि डैमेज कर देगा, इसीलिए यहाँ पर आते आते रिएक्शन स्लो हो जाता है, वो एंजाइम में चेंज हो जाते हैं, केमिकल सिक्रेशन करते हैं और फिर वो इससे बाहर निकलता है, इसमें देता है, इसमें जाके दे देता है, फिर सारा इसमें मैसेज इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाता है नर्व इम्पल्स के थ्रू या जो भी मैसेजेस जैसे आ रहा है, और करंट के रूप में फिर यहाँ पर केमिकल दे देते हैं, केमिकल वापस जब आता है तो फिर ये वापस अपने रूप में आ जाता है, यानी क्या कहता है, अब हम लोग वापस आप तुम लोग पहुँच गए, फिर ये लोग अपने चार्ज में आते हैं, फिर ये लोग तेज़ी से भागते हैं, फिर वहाँ पर जाके धीरे हो जाते हैं। हमारे बॉडी में इसी तरह से पूरे मैसेजेस का एक नेटवर्क के जाल में एकदम तेज़ी से दौड़ता रहता है, सोच लीजिए, ऐसा मशीन अभी तक किसी ने नहीं बनाया, कोई भी साइंटिस्ट ने नहीं, ये गॉड ही क्रिएट कर सकता है इस तरह का, किस तरह का उन्होंने मैकेनिज्म बनाया हुआ एक एक चीज़ का, और ये सारे बॉडी में आपस में जितने भी ऑर्गन्स हैं, इतना अच्छा इनका कोरिलेशन है, इतने अच्छे से ये कंट्रोल करता है ब्रेन सबको, कुछ भी गलती नहीं होती और इसी तरह से आपका लाइफ प्रोसेस चलता रहता है। तो कल से हम पढ़ाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, टेक केयर।